concern that if you allow the reclamation, is it going to देखिए आज मूल रूप से मुंबई का जो कोस्टल रोड है उसको लेकर ये मीटिंग थी। ये कोस्टल रोड मुंबई को पूरे तरीके से डीकंजेस्ट कर सकता है। मुंबई के वेस्टर्न एक्सप्रेसवे पे 60% मुंबई का ट्रैफिक ट्रैवल करता है और सारा कंजेशन उधर है, और अगर ये कोस्टल रोड बन जाता है तो मुंबई की ट्रैफिक की समस्या बड़े पैमाने पर हल हो जाएगी और मुंबई एक बड़ी वाइब्रेंट सिटी बनेगी। और इसलिए हमने आग्रह किया था माननीय मंत्री जी से कि इसको तुरंत मान्यता दी जाए, और मैं आदरणीय मंत्री महोदय प्रकाश जावड़ेकर जी का आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि आज की बैठक में उन्होंने उसको मान्यता दी है, उसकी टाइमलाइन उन्होंने फिक्स की है और 15 जून से लेकर 15 अगस्त तक नोटिफिकेशन निकाल कर सजेशन ऑब्जेक्शन के साथ उसको फाइनलाइज करना ये उन्होंने किया है। और मैं इसलिए भी उनको बधाई दूंगा कि पिछली सरकार के समय 3 साल तक केवल इसके ऊपर बातें होती रही, लेकिन हम उनके पास आए और 3 महीने में इतना बड़ा निर्णय जो मुंबई और देश के हित का है उन्होंने ले लिया। और इसलिए मैं एनवायरनमेंट मिनिस्टर प्रकाश जावड़ेकर जी और दिल्ली सरकार का, हमारे मोदी जी की सरकार का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। कोस्टल रोड एक ऐसी पहल है कि जो मुंबई के लिए बहुत ज़रूरी थे, और आखिर नियम और कानून जो बनते हैं वो देश के लिए, पर्यावरण की रक्षा के लिए, और इसलिए पर्यावरण की किसी भी शर्तों के साथ समझौता न करते हुए हम इस प्रोजेक्ट के नोटिफिकेशन जल्दी निकालेंगे। और जैसे कहा, 15 जून के पहले ही नोटिफिकेशन निकले, कुछ प्रक्रिया जो पूरी करनी है वो 1 सप्ताह में पूरी करेंगे, और उसके बाद लोगों के ऑब्जेक्शंस और ये आएगा, कुछ है तो सुझाव, और उसमें मैंग्रोव हो, जो रिक्लेम लैंड होगी उसका कमर्शियल यूज़ नहीं होगा, जो एचटीएल है आज, जहां आज 500 मीटर की लाइन है, तो वो बिल्कुल इफेक्ट नहीं होगी, यानी उसका कोई मिसयूज़ नहीं होगा, और जनता के सुविधा के लिए, यातायात के लिए ही ये रोड पूरा चलेगा, और मुंबई का सौंदर्य भी बढ़ेगा और मुंबई की कंजेशन भी कम होगा और मुंबई का पोल्यूशन कम होगा। सिटीज़ का एयर पोल्यूशन एक बड़ा प्रॉब्लम है, और ये रोड से पोल्यूशन कम होगा, यही हमारा मैंडेट है, और इसलिए हम इसके बारे में तुरंत कार्रवाई करेंगे। और मेरी इच्छा है कि 15 अगस्त के आसपास इस रोड का काम मुख्यमंत्री शुरू कर सकते हैं, ऐसी स्थिति हम निर्णय से करेंगे। एक बनाए लेकिन